जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूँ तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूँ तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के वंशज तुम हो। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को। कोठारी भाइयों को किस बेरहमी से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए? जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत बरी करके रिहा करवा दिया। क्यों? तुम्हारे घर में रहते थे, तुम्हारी असली भाई थे, क्या उन्होंने लोगों को मारा नहीं? तुमने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा था कि युवा मुसलमानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। और अदिति, यही तक नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कहा था? शुक्रवार को, साउथ अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल ही सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमाई को नमाज पढ़नी है, ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहे, टोटी चोर, तुम क्या जानो उद्योग को? तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया टोटी चोर की पार्टी ने। अपने घर के बच्चों की शादी अहमदिया में करोगे क्या? जवाब दो। अपने घर के बच्चों की शादी यजीदियों में करोगे क्या? जवाब दो इस बात का। मेरे घर के अंदर तकरार पैदा करने वाले कभी नहीं तुम, कभी भी सफल नहीं होगे। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण राम हमारे भगवान है, आप इसको नकार नहीं सकते, आपकी कुछ भी विचारधारा क्यों ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जरा मुझे बता दीजिए कि महाभारत और रामायण का नाम लेके किसने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया अपनी बॉडी पे चिपका के, किसी ने किसी को भगवान राम और कृष्ण का नाम लेके किसी को मार दिया, बताइए आप मुझे, अभी जवाब दो। दूसरी बात और बहुत अहम बात है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐसा कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कौन सा हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान है जिसका सैंक्शन कमिटी ने बैन लगाया है? जवाब दो, जवाब दो। हिंदू धर्म को मानने वाला एक इंसान नहीं, एक सबूत नहीं, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का केस हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, जिसमें आप नहीं मानते, देश का कानून मानता है, देश का कानून संविधान सर्वोपरि आप नहीं है। Clearly, Tanveer, you are living in La La Land. And I'll tell you why. La La Land. Why? Because you say, obviously, the BJP is going for tukde tukde. Tanveer, do you not watch news? Do you not watch on television? Those students, and I can't call them kids, they are my age, who go into university and say, Bharat, tere tukde honge, inshallah, inshallah. Shame. Please allow me. Bharat ki barbadi tak jang rahegi, banduk ki nok pe lenge, azadi. किस चीज से चाहिए भैया आजादी? एंड हु गोज एंड सपोर्ट्स देम? योर कोलिशन पार्टनर राहुल गांधी, हु यू वेरी हैप्पीली हैव लेफ्ट अप जस्ट बिकॉज यू वांट सम पावर इन कर्नाटका, गॉड नोज बाय व्हाट फ्रीक ऑफ नेचर। नाउ सेकंडली, यू डू टॉक अबाउट बीजेपी नॉट एक्चुअली डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिसेस। यू ब्रॉट अप थ्री इश्यूज, यू टॉक अबाउट जॉब्स। आई कैन बेट माई लाइफ यू डिडंट नो इन 2013 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वॉज ओवर 9%। वॉट इज इट टूडे? Please answer, between 4-5%. So when unemployment comes down, the rate comes down with an increasing population, that means jobs are increasing, sir. Please go do your economic homework. Secondly, you speak about farmers. You are now actually forging an alliance in Karnataka with that very party under whose rule over 3,600 farmers committed suicide in Karnataka. What happened to your tall claims of actually delivering on promises in Karnataka? Now you stand exposed. Thirdly, you speak about Kashmiriyat. क्या कश्मीर की परेशानी 3 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है? कश्मीर की देन किसकी है? कश्मीर की देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, शुरुआत से ही जाते हैं। Who actually imprisoned Sheikh Abdullah and created unrest forever? Who actually led to Kashmiri Pandit cleansing from the valley? It was actually the NC supported by the Congress party. And let's not also forget the unrest of 2010 and 2013 in the valley. More actual people, civilians died then. Tab kahan gaye the? Tab Kashmir bahut suhana mausam mein jee raha tha kya? Kashmiri log bahut suhane mausam mein jee rahe the? सुचारिता जी, महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, और आपने क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं इस्लामिक स्कॉलर होके शिवसेना की कैसी वाहवा कर रहा हूं, तो उसके जवाब में सिर्फ दो लाइनें आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी जब कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाती है, वो उनका पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस था।
महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना मुसलमानों का जो साथ दे रहे हैं, मुसलमान शिवसेना का साथ दे रहे हैं, वो है पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। महसूस करें नुपुर शर्मा, फर्क महसूस करें। तीसरी बात, तीसरी बात, आत्माओं के तड़पाने की बात हो रही है तो वाजपेयी जी की तो आत्मा तड़प रही है। ये कहां से कहां ले आए कीचड़ में बीजेपी को। अरे वो कमल जो खिलता था उसको लहू लुहान कीचड़ में कर दिया आपने। वाजपेयी जी पी की भी आत्मा तड़प अच्छा, रही है। अतिकुर रहमान साहब, अब देखिए आपने एक और स्टेटमेंट बड़ा दे दिया कि अब महाराष्ट्र में मुसलमान खड़े हैं शिवसेना के साथ। आपने ये भी बड़ा बयान दे दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात। आप ये कह रहे, पहली बात तो मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ स्टैंड जो बदला है वो दिखाया था। नुपुर जी यही स्टैंड बदल रहा है। मैं कह रही हूँ ये शिवसेना का कांग्रेसीकरण है जो इस वक्त हो रहा है। मैं तीन चीज कहूंगी, प्लीज मेरे ऊपर कोई ना बोले सुचरिता जी, मैं तो किसी के ऊपर बोल नहीं रही। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि एक्सपीडियंसी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिन लोगों ने मुंबई ब्लास्ट के चक्कर के अंदर बाला साहेब जी को जेल में डाल दिया था, आज वो एक्सपीडियंट है। जिनका बकायदा रॉ ऑफिसर एनके सूद एक सार्वजनिक इंटरव्यू में आके कहते हैं कि शरद पवार के दाऊ इब्राहिम के साथ बहुत गहरे लिंक हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया शिवसेना ने। वाह क्या एक्सपीडियंसी, ताली बजाऊंगी इसी एक्सपीडियंसी को शिवसेना की। इसलिए तो पालगढ़ के साधुओं की लिंचिंग हुई, इसलिए तो उनकी ऐसी बेरहमी से मृत्यु हुई। लेकिन अब मैं तीन चीज कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये कहा गया यहाँ पे कि सीएम की भावना भड़क गई जी, ये कह देने से कि तुम्हारे घर के सामने हनुमान चालीसा पड़ जाएगी। पता है इससे मुझे क्या याद आया? हनुमान जयंती में जब दिल्ली में हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जामा मस्जिद के बाहर से, तो वहां पे मस्जिद के अंदर के जो मुसलमान थे उनकी भावना कैसे भड़की थी। तो आप तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, शायद उद्धव ठाकरे शायद मुसलमान बन गए, शायद शिवसेना के जो प्रवक्ता है उनका यही कहना था। दूसरी बात, अतीक रहमान ने क्या कहा शुरुआत में, अंधविश्वास है 72 हूर मिल जाएंगी अगर जिहाद में सुसाइड कर लोगे, सुसाइड बॉम्बर बना लोगे, ये अंधविश्वास नहीं है। अल्लाह अकबर कर कह के तुम बम फेंक दोगे, आतंक फैला दोगे, ये अंधविश्वास नहीं है। दूसरों का सड़क रोक के 5 बार जुम्मा नमाज पढ़ लोगे, ये अंधविश्वास नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ना बड़ा अंधविश्वास है। ये जो कॉम्युनल बिगट्री दिखा रहे हैं ना, ये अपने घर में रखे, टीवी पे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। और तीसरा क्या कहा गया के सीएम के घर पे बहुत सड़क रोक दी, क्यों? जब आप 5 बार नमाज जो पढ़ता है, जुम्मा नमाज जो करता है, आप उसको परमिशन देते नहीं हो, आम जनता का रास्ता वो रोकता है, तब क्या आम जनता की जिंदगी रोजमर्रा की त्रस्त नहीं होती? क्या मुख्यमंत्री तुम्हारे भगवान ने भेजे हैं क्या ऊपर आसमान से नीचे? मैं एक बार बताती हूँ कि कल कोर्ट ने जो टिप्पणी की, नुपुर जी आपने जो बात कही है, अतिकुर रहमान साहब, प्रतिमा जी जरा इसे